बीजेपी में टिकटों को लेकर नाराजगी जो है वो चल रही है। जिनके टिकट कटे हैं उनके समर्थक जो है वो हंगामा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बची हुई 12 सीटों को लेकर भी माथापच्ची फिलहाल जारी है। लेकिन दक्षिणी हरियाणा की 3 जो सीट है, रेवाड़ी, गुरुग्राम और कोसली को लेकर तिलिस्म जो है वो बना हुआ है, क्योंकि ये केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत का इलाका बताया जा रहा है और वो अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं। हरियाणा बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई तो टिकट की आस लगाए बैठे कई नेताओं के दिल टूट गए और जिनको टिकट मिला वो खुशी से झूम गए। लेकिन अभी भी बीजेपी की 12 सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इन सीटों को लेकर पार्टी असमंजस की स्थिति में है। इनमें से 3 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर कुछ ज्यादा ही परेशानी का सबब बना हुआ है। ये 3 विधानसभा सीटें हैं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की, जिनमें रेवाड़ी, गुरुग्राम और कोसली हैं। गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत का इन सीटों पर खासा प्रभाव है और वो अपनी बेटी के लिए टिकट मांग भी रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए इन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान आसान नहीं होगा। वहीं गुरुग्राम से विधायक उमेश अग्रवाल ट्वीट करके राव इंद्रजीत का समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने लिखा था कि राव इंद्रजीत की अनदेखी से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राव इंद्रजीत का क्षेत्र में कितना दबदबा है। वहीं टिकटों को लेकर सीएम मनोहर लाल का कहना है कि टिकट नसीब से मिलती है। अब कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड के ध्यान में रहती होगी, कम से कम हमारे ध्यान में तो नहीं है। मैं इतना ही कहता हूँ कि एक एक स्थान पर जीतने वाले एक से ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, पार्टी के प्रति निष्ठा रखने वाले एक से ज्यादा लोग होते हैं। हमें भी कई बार ध्यान में नहीं आता कि उन 4 या 5 में से एक की सिलेक्शन हुई तो किस आधार पर हुई। मैं यही कह सकता हूं कि जिसकी सिलेक्शन हुई होगी शायद। सर, गुरुग्राम जिले में तो 4 में से 3 तो बदली थी। विधानसभा पे क्या सहमति बन चुकी है? अभी ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, मेरा नहीं। सीएम ने तो साफ कर दिया कि टिकट नसीब से मिलती है, लेकिन अपनी बेटी को टिकट दिलाने के लिए राव इंद्रजीत आला कमान से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। अब देखना यह है कि बीजेपी इन तीनों के तिलिस्म को कैसे भेद पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।